लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी विधायक असीम गोयल ने प्रियंका गांधी को जवाब देते हुए कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि देश में नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से विकास के पहिए रुक चुके हैं। केवल 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, इससे बड़ी बात मैं कुछ कह नहीं सकता। जिन्होंने इस देश को घोटाले करना सिखाया, जो घोटालों के जन्मदाता हैं, जिन्होंने इस देश को पीछे धकेल कर केवल अपने एक परिवार को आगे करने का काम किया, जिन्होंने पूरे देश को ताक पे रख के केवल तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया, वो लोग अगर आज ये बात कर रहे हैं तो इससे गलत बात कोई हो नहीं सकती। वो अपने गिरेबान में झांकें। इस देश को यहाँ तक लाने की जिम्मेवार, उसकी बदहाली की जिम्मेवार और सब चीज़ों का अगर कोई आज जिम्मेवार है तो केवल और केवल कांग्रेस है। आज जब मोदी जी और उनकी पूरी टीम इस कचरे को साफ करने के लिए लगी है तो आज उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात घूम कर उन पर आएगी। केसेस में इनके चाहे कोई पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके परिवार के लोग हैं, खुद प्रियंका जी के पति परमेश्वर रॉबर्ट वाड्रा जी खुद आप समझें जांच का सामना कर रहे हैं। तो ये तकलीफ उनकी है कि उनके यहाँ तकलीफ होनी शुरू हुई जब अपने जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। तो इससे ऊपर कुछ कह नहीं सकता। कांग्रेस ने खड्डा जो भारत को डुबोने के लिए खोदा था, आज उस खड्डे में वो सब लोग गिरेंगे और भारत को आगे लेके जाने की जिम्मेवारी मोदी जी उनकी पूरी टीम। भिवानी में कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेसियों ने पूर्व विधायक सोमवीर सिंह की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया, जहां प्रदेश की बीजेपी सरकार की कार्यशैली, एनआरसी व केंद्र सरकार द्वारा गांधी परिवार की सुरक्षा वापस लेने के विरोध में पुराने बस स्टैंड पर कांग्रेसी एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता परमजीत सिंह मंडू, युवा कांग्रेसी नेता अभिजीत सिंह व यूथ ब्रिगेड से धीरज कुमार मौजूद रहे। उचाना में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दुष्यंत चौटाला पहली बार उचाना गए, साथ ही उन्होंने 15 दिन में एक बार उचाना आने का वादा किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मीटिंग की और विकास कार्यों की रूपरेखा भी तैयार की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एक चुनावी सभा को संबोधित करने सरायकेला पहुंचे, जो ईचागढ़ के बीजेपी प्रत्याशी साधुचरण महतो ने आयोजित किया था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनुराग जायसवाल, आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर अधिक सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बीजेपी प्रत्याशी साधुचरण महतो के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की, साथ ही उनके किए गए कार्यों के आधार पर पुरस्कार मिलने की भी बात कही। वहीं मौजूद जनसमूह को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते विस्थापितों का बाल भी बांका होने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विस्थापन एक बड़ा मुद्दा रहा है और विस्थापित ही यहां की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। जब कोई काम करता है तो उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसे आने वाले दिनों में अच्छा काम करने का फिर से मौका मिलना चाहिए। वहीं आपके भाई अर्जुन मुंडा को मंत्री परिषद में देश के लगभग 10.5 करोड़ आदिवासियों के बीच में काम करने का एक बड़ी जिम्मेदारी दे करके ये बताया गया है कि देश का 40% हिस्से में जो रहने वाले लोग हैं वो आदिवासी दलित पिछड़े लोग, उनके बीच में काम करते हुए चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में कैसे आदमी को सुविधा मिल सके इसकी चिंता करना है।
अगर उसका जमीन पर बरसों से वन भूमि पर बरसों से तीन पीढ़ी से लेकर के उसका खेत खलिहान घर बाड़ी बना के रखा है तो उसको पट्टा देना चाहिए, उसको मालिकाना हक देना चाहिए। यह हमारा मंत्रालय काम कर। खबर रेवाड़ी से, जहां विधानसभा के गांव नाहड़ में बने राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली, जहां गरीब बच्चों के हकों से खिलवाड़ किया गया। आपको बता दें कि गरीब बच्चों की दी जाने वाली 551 साइकिल कवाड़ की हालत में मिली, लेकिन इसके दूसरे ही दिन खंड जाटू साना के गाँव परखोतपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भी 105 साइकिलें बेकार हालत में मिली, जिसके बाद अधिकारी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। सर, मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही चार्ज लिया है। पहले मुकेश कुमार जी का प्रमोशन हो गया डिप्टी डीओ में, उसके बाद मेरी संज्ञान में अब तक नहीं आया था। कल जब मीटिंग हुई, एमएलए साहब ने मीटिंग ली, उस दौरान मेरे को पता चला कि भी साइकिल भी नाड़ ब्लॉक में 500 550 के आसपास बची हुई हैं। तब मैंने अपने आज यहाँ पता किया था, तो इन्होंने बताया कि हमारे पास भी कुछ साइकिल बची हुई हैं। तो इसमें आज तो क्या कारण है, किस वजह से ये साइकिलें बच गई हैं? ये स्टूडेंट, अब ये मैंने डेली से पता किया तो उन्होंने बताया कि जी जैसे हम साइकिल मंगवाते हैं उसमें कुछ बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, जब साइकिल आती है तब तक स्कूल छोड़ जाते हैं या कहीं असल से लेकर चले जाते हैं तो वे साइकिल। आगरा के मनसुखपुरा गाँव में मिट्टी की ढाई गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे युवक के घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिट्टी लेने गया था। क्या नाम है आपके लड़के का? रेवती प्रसाद। फिर ऊपर से मिट्टी गई, अच्छा नीचे दब गया। हाँ। तो मौत हो गई। अभी कहाँ भेजा उसको? सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील में सरकारी राशन की दुकान के चयन को लेकर खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक विकास अधिकारी ने ग्रामीणों के सामने दुकान के आवंटन के लिए अपना नाम देने को कहा। बता दें कि यह खाद्यान्न वितरण केंद्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था। आज यहाँ पर छोटे की दुकान का चयन होना था, इसीलिए हम लोग आए हैं। सर, इस कोटे में किसका चयनित हुआ? ये जैसे अनुसूचित जात का ये सीट था, ये कहीं प्रत्याशी ने मात्र अपना नाम प्रार्थना पत्र दिया है और दूसरा कोई न होने से। देश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर बांदा में प्रशासन द्वारा एक नई पहल की गई है। जिलाधिकारी सहित अधिकारी कर्मचारी अब मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें आधुनिक रूप से तैयार मिट्टी के बर्तनों और वस्तुओं की अधिकारियों और कर्मचारियों सहित स्थानीय लोगों ने जमकर खरीदारी की। साथ ही अब सरकारी कार्यालय में भी प्लास्टिक के बर्तनों की जगह मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाएगा। बांदा के जिलाधिकारी हीरालाल ने बताया कि मिट्टी के बर्तनों के उपयोग करने से जहाँ एक तरफ से हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा, वहीं प्लास्टिक से बने सामान का उपयोग कम से कम प्रदूषण भी कम होगा। ये प्रदर्शनी लगी नहीं है, हमने इसको लगवाया है। एक्चुअली जो ये हम लोग प्लास्टिक रिमूवल की बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक को हटाया जाए, तो हम लोग प्लास्टिक के बहुत सारे अल्टरनेटिव दे रहे हैं। जैसे बैग में हम लोगों ने झोले का अल्टरनेटिव दिया, झोला बंटवाया, झोला युक्त बांधा। अब हमारे जो बर्तन के रूप में प्लास्टिक यूज करते हैं हम लोग, उनको रिमूव करने के लिए हम मिट्टी के बर्तन का अल्टरनेटिव दे रहे हैं। ये जो अभी आपने देखा, ये सारे बर्तन मिट्टी के बने। पुराने ज़माने में हम मिट्टी में ही खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तन में ही पकाते थे। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना और खाना अपने आप में उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो एक तो फ़ायदा स्वाद का हो जाता है, दूसरा इसमें बीमारी, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के भी बहुत सारे इसमें गुण हैं। तो हम लोग मिट्टी के बर्तन को प्रमोट कर रहे हैं। हमने सभी विभागों को आदेश जारी किया है और सबसे पहले मैंने अपने घर में इसका उपयोग किया। हमने झांसी से, ये झांसी के रहने वाले हैं, मैंने इसको अमृत माटी, क्या नाम है आपकी कंपनी का? अमृत माटी, अमृत माटी इनके कंपनी का नाम है।
हमने बुलवाया है, झांसी से हमने सामान मंगाया है। और पहले मैंने अपने डीएम के घर में, अपने घर में मैंने इसका प्रयोग किया। एक्चुअली हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने शुरू से ही यहाँ पर जनपद में एक मुहिम चला रखी है कि प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करनी है, और उसके लिए जो चाय और पानी जो सर्व किया जाता था मीटिंग में, उसमें भी उन्होंने कहा कि कांच के गिलास बहुत नुकसानदायक हैं, प्लास्टिक के सामानों में देने में ही बहुत स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक चीज़ हो रही है, उसके लिए मिट्टी के कुल्हड़ इस्तेमाल करना चालू किए हैं, क्योंकि यहाँ पे वही अवेलेबल थे। और तो लोगों में फिर एक बात आई कि अगर हम मिट्टी के कुल्हड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जो रसोई में खाने पीने के लिए कटोरियाँ और अन्य जो गर्म चीज़ें हैं वो अगर इस्तेमाल की जाएँ, तो जिलाधिकारी महोदय ने इसमें काफ़ी उन्होंने प्रयास किया। और एक झांसी से ये टीम आई हुई है, ये अमृत माटी संस्थान की टीम है, उनके पास पर्याप्त मिट्टी के बर्तन हैं जो रसोई के सभी उपयोग में आते हैं, उन सबको लाया गया है यहाँ पे। और तहसील परिसर में ही, हमने सदर तहसील में ही इसको रखवाया है, कल से ये लगी हुई है। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारे कई अधिवक्तागण हैं या यहाँ पर जो नागरिकगण आ रहे हैं देखने, हमारा स्टाफ भी है वो काफ़ी सहयोग कर रहा है, और काफ़ी उसमें जिज्ञासा भी है, खरीद फरोख्त भी कर रहा है, उसको देख भी रहा है, समझ भी रहा है, कुछ लोग ले जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने तो पूरे सभी विभागों के जो विभाग अध्यक्ष हैं उन लोगों को भी बता दिया है कि आप भी आकर उसको भ्रमण करें और उसको देखें, और सबसे पहले सभी लोग इस्तेमाल करना चालू करें। अमृत माटी इंडिया के नाम से हम मिट्टी का प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ हम पारंपरिक बर्तन खुद बनाते हैं, कुछ इधर उधर से मैनेज करके आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। सर हमको बहुत ही सहयोग मिल रहा प्रशासन का यहाँ से, इसके बाद झांसी से भी बहुत अच्छा हमको प्रशासन से सहयोग मिलता है, अधिकारी है उच्च वर्ग के लोग हैं वो बहुत ही इसको सम्मान के साथ ले जाते हैं, ले तो जाते हैं लेकिन सम्मान के साथ ले जाते। मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ मिट्टी के बर्तनों का स्टॉल लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर बर्तन बनाए हुए हैं इन लोगों ने, बाहर से लाए हैं, और इनके मिट्टी के बर्तनों की खूबसूरती बहुत अच्छी है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये मिट्टी के बर्तन ले रहे प्लास्टिक को बंद करने के लिए, उससे प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए मिट्टी के बर्तन ले रहा था, मिट्टी के पूरा सेट लिया है। कैसा है? बहुत अच्छा लगा है, और इससे रोग मुक्त होता है, रोग नहीं होते हैं, कई तरह के फायदे हैं। प्लास्टिक वाले बर्तनों में आप खाएंगे कई तरह के रोग फैलते हैं, प्रदूषण बढ़ता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, मिट्टी के बर्तन से किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती। संत कबीर नगर के महुली में एक युवक को कुछ लोगों ने गोली मार कर घायल कर दिया। आपको बता दें कि गोली चलने से गांव में दहशत फैल गई, पीड़ित को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, तो वहीं जिला एसएसपी घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। संत कबीर नगर के थाना क्षेत्र के पट्टी बड़गो सरोना गांव से एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां मनरेगा में मेट पद पर नौकरी दिलाने के लिए 10,000 रुपये की ठगी की गई। आपको बता दें कि रामदवन ने अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखकर 10,000 रुपये पंचायत मित्र संजय कुमार को दिए थे, लेकिन नौकरी ना मिलने पर जब रामदवन ने पंचायत मित्र संजय से अपना पैसा वापस मांगा, संजय मित्र उसको धमकी देने लगा, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को पत्र देकर पैसे की वापसी और कार्रवाई की मांग की है। बलिया नरही थाना क्षेत्र के सराय गांव में दर्जनों किसानों पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई खेतों में पराली जलाने वाले दर्जनों किसानों को नोटिस देने के बाद की गई है, जिसके बाद किसानों से 2500-2500 वसूली भी की गई। पराली जलाने पे रोक लगाई गई है, अध्यादेश में स्पष्ट उल्लेख है कि जो पराली प्रथम बार जलाएगा उसमें 2,500 से लेकर 15,000 तक की जुर्माना लगाई जाएगी। कल मेरे यहाँ नरही थाने के अंतर्गत सराया गाँव में 7 किसानों की पराली जलाने की सूचना मिली थी, जिसका 28,000 जुर्माना जुर्माना आरोपित करने के पहले उन किसानों को नोटिस तलब किया, सभी को सूचना दी। बरेली के तहसील आंवला के ब्लॉक रामनगर में मिट्टी परीक्षण को लेकर मेले का आयोजन किया गया।
ये आयोजन रामनगर के मॉडल गांव विजय नगला में नेशनल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मृदा परीक्षण की ओर से किया गया। मेले का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख श्री पाल ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान विशेषक कुमारी वाणी यादव ने किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान की जानकारी दी, साथ ही पशु विभाग के अधिकारियों ने पशुओं के बारे में जानकारी दी। भिवानी में सरल केंद्र के उपमंडल अधिकारी ने कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपमंडल अधिकारी ने उन्हें दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि सरल केंद्र लोगों को जो सुविधाएं दे रहा है उसके बारे में जानकारी को लेकर बैठक की गई थी। इसके साथ ही सुविधाएं और अधिक मजबूती से लोगों तक पहुंचे, इस पर भी चर्चा की गई। हमारा जो सरल केंद्र है उसकी जो सर्विसेज दी जा रही हैं सरकार के माध्यम से, सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया सरल केंद्र, अंत्योदय सरल केंद्र, उसकी रिव्यू मीटिंग थी। आपने देखा कि सरल केंद्र के माध्यम से ही बहुत सारे डिपार्टमेंट की बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, तो उसका रिव्यू था कि कुछ डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज स्लो हैं, समय ज़्यादा लग रहा है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के रिव्यू किया गया, सुविधाओं को लेकर रिव्यू किया, कौन कौन सी सुविधाएँ हैं, कौन कौन सी नहीं हैं, तो उसी की मंथली। पीलीभीत में घटना कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के अकाल एकेडमी गेट की है, जहां एक ही कॉलेज के दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान आरोपी छात्रों के गुट ने अवैध तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग की। मौके पर मौजूद लोगों ने दो आरोपियों को दो तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि कुछ रोज पहले विवाद को लेकर दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए थे। ये थाना पूरनपुर क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें दो लड़कों के बीच विवाद था। उस विवाद में फिर तीन चार और लड़के आ गए थे, जिस पर वहाँ पर कॉलेज के लोग इकट्ठा हो गए थे और फिर मौके पर पुलिस भी पहुँच गई थी। उसमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है, बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पीलीभीत में एक ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसमें ड्राइवर, क्लीनर और मिस्त्री बुरी तरह झुलस गए, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ट्रक में वेल्डिंग करा रहे थे। इस दौरान वेल्डिंग की चिंगारी से ट्रक में आग लग गई और ट्रक जलकर राख हो गया, साथ ही ड्राइवर और क्लीनर भी जान बचाकर भागे। क्या नाम है आपका? अनितेश शुक्ला। अनितेश शुक्ला, ये जो आग लगी कैसे लगी ट्रक में? ये आग जो वेल्डिंग हो रही थी ट्रक में, वेल्डिंग होने के जगह ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रक धूल-धूल जलने लगी। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के बड़ौत मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो बाइक सवारों समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के पीछे पीडब्ल्यूडी की लापरवाही बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिद्धार्थनगर में जिला अस्पताल के डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डॉक्टर दबंगई दिखाते हुए मरीज को बाहर से जांच करवाने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर SL पटेल का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जिला अस्पताल अपने इन्हीं कारनामों के मशहूर हो चुका है। वहीं जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संज्ञान रूप से मामले की कार्रवाई करने की बात कही है। जैसे पैथोलॉजी की बात हो, पैथोलॉजी में सारे टेस्ट होते हैं, ऐसा मतलब बताते हैं, उसके बाद बाहर के पैथोलॉजिस्ट से टेस्ट करा के रिपोर्ट मंगाई है डॉक्टर द्वारा, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अगर ऐसा कोई मेरे संज्ञान में आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।